अपने फादर की डेथ के बाद लड़का अपनी माँ को ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके छोड़ दिया और वो अपनी माँ से महीने में 2 से 3 बार मिलने जाया करता था। एक दिन लड़के को वृद्धाश्रम से कॉल आया ये बताते हुए कि आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, आप जल्द से जल्द यहाँ विजिट करिए। लड़का फौरन उस ओल्ड एज होम में आया तो उसने अपनी माँ को बेड पर लेटा हुआ देखा जो कि मरने के कगार पर थी। फिर लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इस ओल्ड एज होम में कुछ पंखे लगवा दो और फ्रिज की व्यवस्था भी करा दो ताकि खाना जल्दी खराब ना हो, क्योंकि कई बार मैं बिना खाए पिए ही सो गई। तो ये बात सुनकर बेटा शॉक्ड हो गया और उसने माँ से पूछा कि जब आप यहाँ थी तो आपने कभी कोई कंप्लेन नहीं की और अब आपके पास कुछ ही घंटे हैं और आप मुझे अब ये सब चीजें बता रही हैं, आखिर क्यों? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं डियर, मैंने तो कैसे भी करके इस गर्मी भूख और दर्द को सहन कर लिया, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें इसी वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो मुझे डर है कि शायद तुम ये सब ना झेल पाओ, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी मेरे बच्चे। So bro, nobody is real in this world except your mother. Bro, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट डाउन बोलो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।